नहीं मैंने कोई लाइन मारी है और ना ही मेरा कोई कसूर है। चाचा जी तेरी वजह से गए हैं, अभी तेरा कसूर ही कोई नहीं। निम्मो बाजी कसम ले लें, मैंने कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की है। देख ताशी मैं तुझे भी जानती हूँ और तेरी सारी हरकतों को भी जानती हूँ। खड़ा होगा किसी कोने में प्यार की पींगे बढ़ा रहा होगा पारों के साथ, तो उन्होंने चाचा जी ने देख लिया होगा, कुछ महसूस किया होगा और उसके चले गए। मैं तुझे समझाया था ना, पहले भी समझाया था कि इस लड़की को अपने दिमाग से निकाल दे, पर तेरे पुट्ठे दिमाग में कोई सीधी बात कभी ना आई। येरी मेरे गुनाह कार कान सही सुन रहे हैं? बल्ले भी बल्ले, जाने ना जाने, मासूम परवैया ही ना जाने, खानदान तो सारा जाने। नहीं नहीं शाकर जी, आपके बगैर बालों के सिर की कसम है? मेरा मतलब आपके टेंट क्या? नहीं मेरा मतलब कह रही थी कि आपकी पोनी की कसम, मुझे खुद नहीं पता था, कुछ दिन पहले शब्बो ने मुझे बताया। अच्छा यानी तुम्हें पता था और तुमने इसे पंगड़े डालने की इजाजत दी वो पारों के साथ? इसकी सास का माथा ठनका और वो वीडियो भेज दी उसने। वो तो यही नफसियात औरत, और तू चुप कर रहे सेगमेंट फ्राइड, लोगों की नफसियात पे नजर रखने वाला। अब शादी कर तो रहा हूँ और क्या करूँ मैं? कैसे लूँ? परिभा जी की दादी वापस जा रही हैदराबाद, उनकी दुकानों पे किसी ने कब्जा कर लिया। हाँ लो जी नवा पुआड़ा पे। किसने कर लिया कब्जा? मैं पूछ के आता हूँ। लो जी निकल के। हाँ फिक्र ना करें, इसकी शादी हो जाने दें, बीवी ने ऐसे वागे खींचनी है ना इसकी, इसको सब समझ आ जानी है। ओए होए ओ क्या कह रहे तेरे ये हम्टी डम्टी रोमियो के ससुराल वाले। हाँ सास का थोड़ा बूथा जो है वो बेहतर हुआ है, नॉर्मल हुई है थोड़ी सी, आगे अल्लाह खैर करे। शाकर जी हाँ जी, वो ना आप ना ताऊ जी से ना कुछ चुगली, मेरा मतलब है कोई पारो की और इसकी ताशी की कोई बात ना। दिमाग खराब है मेरा है, मत मारी गई है मेरी, पागल हो गया हूँ मैं, क्योंकि फिल्म अपने गले में डाल लूं। पोनी की कसम